उसकी भी मिसाल इसी तरीके से दूंगा वो भी इसी सरजमीन का बच्चा है उसके भी गुजरा वाला से चाहे यूनाइटेड इंडिया कहें मैं तो फर्क नहीं समझता लेकिन देखें हमें पोटेंशियल है लेकिन हमें किस तरीके से 22 करोड़ लोगों को इन्होंने उप्रेस करके रखा है मैं दो नाम उनको हमेशा देता हूं ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं और दूसरी क्लास ये है जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से बच्चे जो सी करते हैं वो करके आगे आते हैं फिर वो बदला लेते हैं पाकिस्तान से ये दो लोग हैं दो, दो किस्म के रूलिंग लीड और आगे चल के वो जाके इस तरह करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं वही जो आपके ब्यूरोक्रेसी है बच्चे उनके इंग्लैंड में रहते हैं ए लेवल करते हैं ओ लेवल करते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो वो उर्दू को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान के अंदर को प्रमोट किया जाता है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएंगे तो कहेंगे आए जिहाद करें आए बच, आओ बच्चों मिलके जिहाद करें तो ये वो लोग हैं लेकिन अगर इनके कब्जे से कोई निकलता है तो फिर वो हमजा यूसुफ बन जाता है ये मैं आज इतनी बात की खुशी हुई है इस बात पे कि हमें टैलेंट है बिल्कुल लेकिन जब हमें मौका मिलता है हम इन इनके पंजों से निकलते हैं जब हम इस गुलामी से जब निकलते हैं ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते और ये ये रूलिंग क्लास और एस्टेब्लिशमेंट जब इनके कब्जे से हम निकलते हैं तो हम फिर हमजा यूसुफ बन जाते हैं ये आज मैं मुझे बड़ा अरसा अभी भी शक तो है हमारा डीएनए कमजोर है बाईस करोड़ लोगों को जेल में किस तरह बंद किया जा सकता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम आप जेल में बिल्कुल ऐसा ही है आप बोले आपके को घर मन की बात ही ना कर सके तो का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं जय हिंद जय भारत हो तो फिर ये जेल ही है और क्या है करोड़ लोगों की जेल है और ये छिहत्तर साल से आप बाईस करोड़ लोगों को मेरा जो एनालिसिस ये ये था कि शायद 22 करोड़ लोगों का डीएनए कोई है जिनको बड़ी आसानी के साथ पहले आ, हमारे पठान भाई आके मारते रहे बड़े थोड़े से थे मुगल शहजादे थे न? वो बड़े थोड़े से थे वो मारते रहे फिर उसके बाद आए तो हमारे अंग्रेज भाई आ गए वो सुने गिनती में सिर्फ अठारह सौ उन्होंने कब्जा कर लिया इतने बड़े यूनाइटेड इंडिया पे हुकूमत की वो चले गए तो ब्रिटिश एजेंटों के जो पोते दोते हैं वही कब्जा करके बैठे देखे ना मेरा मेरा ये क्वेश्चन जो था मेरे जो रिजर्वेशन थी वो जायज है कि बाईस करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं उठता कोई भी नहीं बोलता आगे कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है ऐसा जो कहे कि मेरा किरदार साफ है मैं आओ भी मैं पाकिस्तान को जाऊंगा एक भी नहीं लेकिन हाँ। सर अगर ऐसे लोग होंगे तो बहुत कमजोर होंगे वो उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी हाँ, लोग तो होंगे मैं ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बेचारे जब इंग्लैंड आ जाते हैं तरक्की कर जाते हैं अमेरिका आते हैं तरक्की कर जाते हैं वहां पे उस जेल के अंदर फिर वो आपको मार मार के कोड़े मारे जाते हैं आपको जेलों में रखा जाता है और आपको वो ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते और वो जो आपके एच ई सोनियन और उसके बाद हसन अब्दालियन और वो कराची ग्रामर के जो कैलकुलेशन की थी मिफ्ता इस्माइल साहब मैं बड़ा इंप्रेस हूं उससे मिफ्ता इस्माइल साहब की जो बात होती है बड़ी डीप होती है उन्होंने कहा तकरीबन आठ हजार बच्चे ये पैदा करता है एच ई सोनियन हसन अब्दाल और कराची ग्रामर और ये सारे ए लेवल ओ लेवल करते हैं और ये रूल करते हैं पाकिस्तान और दूसरे बच्चों को दूसरे लोगों को प्रेस करते हैं उनको कहते हैं आओ बच्चों जिहाद करें और उर्दू सीखें खुद अब ए लेवल ओ लेवल और इंग्लैंड से पढ़ना अमेरिका से पढ़ना यही तो अलमिया है तभी तो मैं कहता हूँ जेल है आपके बाईस करोड़ लोगों की जेल है पता नहीं ऐसा ही है।, है लेकिन सर अब वो जो आप अभी बाजवा साहब की बात करे बाजवा साहब ने तो एक बड़ा यू टर्न ले लिया उन्होंने कहा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और वो बेचारे जो हैं शायद मतलब उनके पीछे पड़ गए वो तो नहीं, तो नहीं तो मेरे बाजवा साहब ने काकुल एकेडमी के अंदर अपने स्पीच में कहा था कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाता हूँ इस इंटरव्यू को तो चलो डिनाई कर दिया जो पिछले जो किताब लिखवाते रहे जर्नलिस्टों को बुला के हर हफ्ते दर हकीकत में मजे की बात बताता हूँ ये मेरी मेरी बात नहीं है हामिद मीर साहब से पूछ लें आप तलत साहब से पूछ लें और कई जर्नलिस्टों तो ने अल ऐलान कहा है कि बाजवा साहब को शौक था कि शाम को चार पांच जर्नलिस्ट बुला के पांच पांच घंटे के भाषण देते थे उनके अंदर सियासत है बचपन से क्योंकि बाजवे है हैं ना बाजवे हैं सियासत के जरासीम तो दर हकीकत वो रह नहीं सकते उन्होंने तकरीर तो किसी ने लिख के दे दी होगी ना नीचे से कि मैं गुमनामी में रहना चाहता हूं पढ़ दिया उन्होंने लेकिन वो रह नहीं सकते कि चार पांच लोगों को बुला के भाषण न दे शाम को तो अब वो अंदर से वो सारा जो है उनको वो वो कहते हैं ना बुढ़ास निकलती बुढ़ास अंदर से वो सारे तो वो उन्होंने देखे जावेद चौधरी साहब ने चार आर्टिकल लिखे उनके उसको तो नहीं अच्छा उसमें भी जो बातें बाते कही है शायद ने उनको नहीं किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। में नहीं नहीं, तो मंसूर इंटरव्यू तो वो कहते मैंने ली नहीं कहता के जरिए कम्युनिकेट करते रहे हो सकता मेतला साहब के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे ना हो उन्होंने कहा बच्चा क्या कर रहा है ये ऊपर ना आ जाए उन्होंने नहीं यार नहीं मैंने लेकिन बातें तो कर रहे किताबें लिखवा दी भाई उन्होंने चौधरी के चार आर्टिकल है, पूरी किताब है वो एक पूरी किताब है वो लेकिन यह देखें ये ज्यादा है पाकिस्तान के साथ जुलम है बाकी तो कुछ भी नहीं है मैं क्या जिस तरीके से मेरे ख्याल में दो हजार अठारह के इलेक्शन थे आपके सारी आप, आपके रूलिंग लीड को पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए मेरे ख्याल में जो कुछ भी हुआ है पिछले दस साल के अंदर और इनको ओन करना चाहिए आज जो कुछ भी हो रहा है ओन करना चाहिए ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सारा जुल्म है पाकिस्तान के साथ जुलम ना मुआशी पॉलिसी है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है ना फॉरन पॉलिसी है किसी ने डॉलर दे दिए तो उधर चले गए डॉलर दे दिए तो चाइना के डॉलर दे दिए तो अमेरिका के आई एम एफ के पीछे क्या पॉलिसी है यार ये है, दो 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 ये पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी जहां से डॉलर देखे आगे चले गए लेकिन ये यही समझते हैं सर इनके ख्याल में यही फॉरेन पॉलिसी है जो ज्यादा पैसे मांग के ले आए तो बस ठीक है मैं पाकिस्तान की हर पॉलिसी को मैं कहता था उसके आगे डॉलर का निशान होता है इसको डॉलर पॉलिसी कहा जाता है डॉलर कंट्री पाकिस्तान का नाम चेंज करके डॉलरस्तान रख ले इसका नाम डॉलरस्तान ऐसा ही लगता है सर करना पड़ेगा क्योंकि जो हालत अब हो गई है लेकिन सर अगर हम भारत की बात करें भारत के साथ आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत करेंगे और मुख्तलि कर गुजरी है बात की ये वो जी ट्वेंटी का जो चल रहा था उसको ऐसी हुँ। हुँ। चल रहा था उसको आ, इसको खराब करने के, के साजिशें हो रही थी किए जा रही थी लेकिन देखे अगर भारत से कुछ डालर नजर आए तो शायद चले गए वहां सर तो मैं तो बहुत बार अपने शो में कहा मुझे लगता है मोदी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही कि भाई आ, कुछ पैसे दे दे हम बैठ जाएंगे चुप करके आपको डॉलर दे दो यार और बेशक देना ना वादा ही कर दो यार लोग कॉन्फ्रेंस में तो चले जाएंगे ना ये हम वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर है इनको पता है सबको पता है ये कोई नई बात तो है नहीं ये देखें पाकिस्तान डूबने में एक दिन थोड़ी नहीं छिहत्तर साल से डूबने इसकी बैक स्टैबिंग कर रहे हैं लूट रहे हैं ये देखिये भारत में जाने के लिए अगर डॉलर इन्वॉल्व इनको मिल जाए तो फिर शाम को चले अगर वहां डॉलर नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे देख लेना मैंने आपको बताया कि जो बाइडन ने बुलाया वो फॉरन बैठ गए उसी तरह झाक की उनका नहीं महाराज हम क्यों जाएंगे भाई हम तो आपके बच्चे हैं हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पता नहीं समुद्रों से गहरी है और कौंसल जनरल बंद है सी बंद है इस्लामाबाद सर, सर कह रहे सी पैक का सेकंड फेज स्टार्ट करने लगे अब तो पिछले पैसे मांगे ना उन्होंने आगे कराना था बड़ी बड़ी वारदात डालते यकीन करें अगर ये कॉम पॉजिटिव चलती तो आज जापान और अमरीका पीछे होते ये आगे होते सिर्फ प्रॉब्लम यह दिमाग बहुत चलता है इनका लेकिन नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें आज भी ये पाकिस्तानी कौन मैं गारंटी कर देता हूं जापान और चाइना और इंडिया सब खत्म हो जाएगा

यहां से चलते हैं पैदल पैदल जा रहे हैं ग्रीस इटली तक पैदल वो परेशान है समुद्रों को क्रॉस करके आ रहे पैदल चल रहे पहाड़ियों लेकिन रहे? सही जगह दिमाग नहीं लगा रहे सिर्फ ये कर रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव हर चीज में शॉर्टकट फ्रॉड धोखा बस ये

वो कहते हैं कि शायद भारत से को डॉलर को, को नजर आए तो पुर्ण पुर्ण करें उसके बगैर हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे जब तक वहां हमें डॉलर नजर नहीं आए भारत से इस वक्त इनको डॉलर नजर नहीं आते नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया थैंक यू सो मच